नमस्कार, लाइव 24 में स्वागत है आपका। मैं मनीषा और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो दशकों से भारत की जनता की नब्ज में बसा हुआ है, उनके एहसासों से और उनके धर्म से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अयोध्या में काफी वक्त से भूमि विवाद चल रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा जाए एक तरह से मास्टर स्ट्रोक चला है। उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा गया है कि जो गैर विवादित जमीन है वो मूल मालिकों को वापस लौटा दी जाए। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या मूल मालिकों को जमीन लौटाने के बाद वहां राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो पाएगा और क्या बिना अध्यादेश लाए सरकार का ये दांव काम कर पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 2019 से पहले ये जो दांव चला है सरकार ने, ये काम आएगा सरकार के। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अजय प्रमुख जी जुड़े हुए हैं आरएलजी से। अजय जी स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ योगेश सोनी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। योगेश जी आपका भी स्वागत है। और ऋषि पांडे कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। 2019 का चुनाव आने वाला है और ऐसे में बिना अध्यादेश लाए सरकार राम मंदिर बनवाना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी डिसीजन नहीं दिया लेकिन कह रही है कि गैर विवादित जो जमीन है उस पर राम मंदिर बनवाया जाए, मूल मालिकों को लौटा दी जाए जमीनें। देखिए, सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं तो देश हित के लिए लिए हैं। जो देश में जो चीज़ चल रही थी राम जन्मभूमि को लेके, जो इस विषय को लेके काफ़ी विपक्ष ने जो एक उथल मचा रखा था, पार्लियामेंट नहीं चलने दी, उसका एक विकल्प अगर ढूंढ के कुछ कार्य किए जा रहा तो अच्छी बात है। अगर सरकार की पहल है तो बहुत बढ़िया है, ये विकल्प होना चाहिए। और देखिए, राम मंदिर के विषय में कि अगर राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा जरूर कहने लगे हैं, मगर राम मंदिर करीब 100 पूरे देश के नागरिकों की आस्था है उस चीज़ को। ठीक है, आपने विशेष चुनाव को दिया है मगर एक सरकार अगर पहल करने जा रही है तो मैं तो उसका स्वागत है और अच्छी चीज़ है। और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि ये मुद्दा काफी वक्त से चल रहा है तो अभी लोकसभा चुनाव से पहले अचानक याद आई कि अर्जी दाखिल कर दी जाए, क्योंकि ये केस तो काफी लंबे वक्त से चल रहा है और काफी लंबे वक्त से केंद्र में सरकार है आपकी, तो पहले क्यों नहीं इस तरह की अर्जी दाखिल की गई, क्योंकि टाइटल सूट पे तो विवाद काफी वक्त से चल रहा है। देखिए, अगर चीजें अगर विकल्प अब ये सोच में आया है और अगर कोई चीजें खुल रास्ता खोलने के लिए अगर विषय दिमाग में आए तो अच्छी चीजें स्वागत सबको करना चाहिए कि कोई विकल्प खुल रहा है। एक राम जन्मभूमि जिसके लेके बहुत एक लंबा चौड़ा विवाद सदियों चला आ रहा था और उस चीज को सरकार ने एक विकल्प को देखते हुए चुना कि जिनकी जो भूमियां हैं उनसे बात की जाए और उस जगह को छोड़ के राम मंदिर का जो निर्माण है वो हो, इस आस्था को लेके मैं भी उम्मीद करूंगा जो विपक्षी दल हैं साथ आए और एक से ईंट से ईंट जोड़ के प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कराएं। अच्छा, ऋषि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषि जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भी साथ आए और मंदिर निर्माण में सहयोग करें और कुछ वक्त पहले विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा था कि अगर राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस साथ देती है तो कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो क्या जो सरकार ने केंद्र सरकार ने याचिका डाली आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, राम मंदिर बनना चाहिए, ये करोड़ों भारतीय और जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका आस्था का विषय है और राम मंदिर बनना चाहिए, इसमें सभी दल का सभी समाज का समर्थन है और बनना चाहिए। लेकिन मुद्दा मंदिर नहीं है, मुद्दा सरकार का क्या काम है। सरकार का काम है रोजगार देना, शिक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था देना। लेकिन सरकार इन सब विवादों में नहीं, 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 कि अभी जो नहीं, मुद्दा चल रहा है राम मंदिर का, इसको कांग्रेस सपोर्ट करती है कि नहीं? देखिए, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि जितने भी तमाम पार्टी जितनी भी पार्टी हैं चाहती है कि मंदिर बन जाए, जितने भी लोग हैं विश्व हिंदू परिषद हैं आरएसएस के लोग हैं जितने भी संगठन है वो चाहती है कि मंदिर बने। मंदिर तो बीजेपी, सवाल यही तो है ना कि विवादित नहीं, मंदिर तो बीजेपी, मंदिर बनेगा मस्जिद, ये तो बीजेपी को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर, लेकिन ये जो रास्ता है ये रास्ता कितना सही है, गैर विवादित जमीन पर बीजेपी को, बीजेपी को छोड़कर जितने भी संगठन है वो चाहते ही मंदिर बन जाए, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन मुद्दा मंदिर नहीं है, मुद्दा विवाद है। सरकार का काम विवाद पैदा करना नहीं होता है, सरकार का काम होता है विवाद को सुलझाना, पहली बात। सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं होता है, सरकार का काम होता है रोजगार देना, विकास देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य का सेवा देना, स्वास्थ्य की सेवाएं देना,
चलिए ठीक है, ठीक है, आपका ये मानना है कि मूलभूत सुविधाएं सरकार व्यवस्था पहले दे दे, राम मंदिर के बारे में बात नहीं, व्यवस्था इनका खराब है। योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। योगेश जी का रुख कर लेते हैं। ऋषि जी, योगेश जी, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर बनाएंगे और बिना अध्यादेश लाए, अब एक मास्टर स्ट्रोक एक तरह से चल दिया है केंद्र सरकार ने कि अब वहां पर गैर विवादित जो भूमि है उस पर मंदिर बनाएंगे, विवादित जो जमीन है उसका जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी तो देखा जाएगा वहां क्या बनता है। आपको क्या लगता है कि ये 2019 से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अध्यादेश लाने के लिए पहले सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था लेकिन सरकार अध्यादेश नहीं लाई। साधु संत काफी ज्यादा नाराज थे, वो कह रहे थे कि इतने साल हो गए केंद्र सरकार में मंदिर नहीं बना पाई, वो खफा थे, कह रहे थे कि अब वोट भी नहीं देंगे। तो उससे पहले साधु संतों को रिझाने की ये कवायद कहा जाए इसको? देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, आज जब पौने पांच वर्ष जब पूरे हो गए, यदि सरकार को ये कदम उठाना था ये पहले भी उठा सकती थी। अब इसके तकनीकीकरण को समझिए कि 67 एकड़ जमीन में केवल 2.75 एकड़ आप सोच रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट उसी पे अपना फैसला या उसी पे अपनी कार्रवाई चलाते रहे, बाकी उसको फैसला वो कर दे तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ऐसा क्यों करने देगा। अभी मैं हाल ही में खबर भी पढ़ रहा था, इसकी ताजा अपडेट, तो उन्होंने आपत्ति लगाने की गुहार भी छेड़ दी है। अब ये बताइए कि यदि हम इसको तकनीकीकरण से समझे, क्या ये संभव है? कभी बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो अध्यादेश नहीं लाएगी, प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, क्या ये संभव है? पहले हमें इसके तकनीकीकरण को समझना चाहिए कि निश्चित तौर पे जो सरकार ने ये अर्जी दी है ये निश्चित तौर पे खारिज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं फंस रही जिससे सामने वाला पक्ष या कानून उसको करे। अगर मैं कहता हूं कि सरकार ने ये कदम अच्छा उठाया, इसको मास्टर स्ट्रोक समझिए या कुछ भी समझिए, ये सफल तो जब होगा जब इसके आगे के कुछ भविष्य दिखेगा, भविष्य के इस निर्णय के भविष्य पे कुछ नहीं छुपा हुआ। क्योंकि देखिए कि यदि ऐसा कुछ मन में सरकार के था, यदि ये ऐसी कोई दाव पेच इनके मन में थे, तो क्या ये जब राम मंदिर के मुद्दे को बना के पूरे देश में बढ़ चढ़कर सरकार बनाई थी, तो क्या इनके दिमाग में आइडिया नहीं आया था? तो जो जनता को रिझाने की इनकी कयावत है, ये पूर्ण रूप से विफल नजर आ रही है। ठीक है, अगर ये ऐसा कर रहे हैं, सोचने अच्छी बात है, लेकिन ये होना इतना संभव किसी भी प्रकार से नहीं है। 0.1% भी चांस नहीं कि इस आधार पर राम मंदिर बन जाए। जी जी अजय जी, जैसा कि योगेश जी ने भी कहा कि गवर्नमेंट ने एक आगे अपना कदम तो बढ़ा लिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो कदम बढ़ाया है, याचिका डाली है, इससे क्या सच में ऐसा हो पाएगा कि मंदिर बन पाएगा? क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं वो भी इस बात से ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कह रहे हैं कि जो विवादित जमीन है, गर्भगृह वही था, मंदिर वही बनाया जाएगा, तो बाकी की जमीन पर मंदिर बनाने का क्या मतलब बनता है? तो इनका जो भाजपा वालों का है, ये नया कुछ ना कुछ सगुफा छोड़ते रहते हैं। ये कोई देश, अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे देश हित की बात है राम मंदिर, देश हित की कोई बात नहीं है, भाजपा हित की बात है, और मंदिर इन्हें बनाना नहीं है। असलियत जो चीज है, इन्हें मंदिर बनाना नहीं है, मंदिर के लिए बहकाते रहेंगे और लगातार बहकाते रहेंगे। अभी जो विवादित जमीन का मसला है, इसका अगर इन्हें बनाना था, इनकी 4 साल 9 महीने सरकार को हो गए, 2019 का चुनाव आने वाला है, चुनाव से पहले अगर इन्हें बनाना था तो उसका अधिग्रहण करके बना लेते। लेकिन विवादित जमीन तो जहां ये कहते हैं रामलला पैदा हुए थे, रामलला वहां पैदा हुए थे, तो उसका तो उचित फिर भी नहीं रहा, मंदिर तो उससे अलग जगह हो गया। तो इनका तो ये सगुफा है, ये नहीं चाहते कि मंदिर बने, इनका मुद्दा बना रहे। और ये जब इन्होंने विकास की बात कही थी, विकास की बात से राजनीति में आए थे, लेकिन विकास हो नहीं पाया, विकास पे कमजोर रह गए, तो इन्हें ये पिछले चुनाव की तरह फिर हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें उठाना चाहते हैं, और कुछ नहीं है इनका, क्योंकि ये भी पास नहीं होने वाला, कहीं कुछ नहीं होने वाला। अगर लाना था तो अध्यादेश लाते, क्यों नहीं लाए, कुछ नहीं कर पाइए, इन्हें राम मंदिर बनाना ही नहीं है। असलियत तो ये है, जनता इस चीज को समझती है। जी प्रदीप जी, सारे सवाल आपकी तरफ उठ रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि जो साधु संत हैं वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कहते हैं कि अगर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली भी है तो वो जो मेन विवादित जमीन है उस पर मंदिर बनाने की कोशिश क्यों नहीं करती सरकार, उसके लिए पहल क्यों नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, तारीख मिल रही है एक के बाद एक, लेकिन गैर विवादित जो जमीन है उस पर मंदिर बनवाने का क्या फायदा? क्योंकि वहां तो वो चाहते भी नहीं कि वो जमीन अधिग्रहित कर या उनको दे करके वहां मंदिर बनवाया जाए। देखिए ऐसा है, पहली चीज तो हमने अगर ये चीजें उठा रखी हैं तो आज तक किसी ने उठाई नहीं है। अगर आज तक की बात क्यों नहीं उठाई है, कांग्रेस ने उठाई है, कांग्रेस ने भी पहले कहा था जमीन है उसको अधिग्रहण करके आप मंदिर बनाइए, तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन चीज को आपने भी कभी पहल नहीं करी, जिस तरह की राजनीति आपने भी करी है, लेके ये भी दुनिया को जग पता है, जगह जो आपकी राजनीति का राम मंदिर पे पहले राम मंदिर पे राम मंदिर पे कोई राजनीति तो करनी नहीं चाहिए, इसे जनता जानती है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये जनता बिल्कुल जानती है, जनता को सब कुछ पता है,
कि न्यायालय में क्या चल रहा है, अगर ये चीजें निकाली गई हैं, कितनी जमीन है जिस पे अभी तक लोगों का कब्जा नहीं है, लोग उससे हीन हैं क्योंकि वो विवादित जगह होने के कारण वहाँ पे बाउंड्री वॉल या बैरिकेटिंग जो हो रही है उसके चक्कर में है। अगर उस चीज़ का एक रास्ता निकाला जा रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर विपक्ष खड़ा है तो कहीं तो हाँ भरे कि हाँ जी आप इस काम को कीजिए, कहीं तो चीज को शांति पड़े। तो उसमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है प्रदीप जी, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उसका अधिग्रहण करिए जमीन का, साहब उस पर कोई विवाद नहीं है जमीन पे, वो भी कोर्ट के अधीन नहीं होगा, नहीं कोर्ट के अधीन नहीं है वो जमीन, वो विवादित नहीं है जमीन, विवादित नहीं है तो फिर अधिग्रहण क्यों नहीं करते हो आप? भाई मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, विवादित आपको करना नहीं है ना? अरे भैया करना है तभी तो चीजें करी गई हैं। कहाँ करी गई है? अधिग्रहण करिए आप। अरे अधिग्रहण करिए, अधिग्रहण करिए, इस पे मंदिर बनाइए, मंदिर को ही अगर आपको आस्था, मंदिर तो लेके समाज की हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हो, हमें तो है आप में तो नहीं है ना, आप तो बात ही नहीं करते विषय में कभी। अब सरकार आएगी, सरकार बदलेगी, बना के दिखा देंगे, आप कुछ नहीं बना पाएंगे, आप नहीं बना पाओगे, ये जनता समझ चुकी है, आप पिछले 25 साल से इस मुद्दे पे लग रहे हो, अपना अस्तित्व खड़ा करना है, प्रदीप जी इस बात का जवाब दीजिए, जब मीडिया साधु संतों के पास गई, अभी प्रयागराज कुंभ में भी बातचीत यही चल रही थी कि जो गैर विवादित जमीन है उस पर मंदिर बनवाया जाएगा, तो जो विवादित जमीन है कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह है मंदिर का वो वही बनेगा, मेन पार्ट तो वही है, तो बाकी जो गैर विवादित जमीन है वहां मंदिर बनवाकर आप करेंगे क्या? क्योंकि आपकी बात से तो साधु संत भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, वो भी आपके साथ नहीं जा रहे हैं, तो क्या फायदा, आप किसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा नाराजगी तो उसी खेमे में थी, जो हिंदू वर्ग है वो चाहता था राम मंदिर बने, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसी जमीन पर बनना है, बाकी जमीन पर आप बनवा ही क्यों रहे हैं? देखिए अभी एक चीज की शुरुआत की गई है भाई, उसकी जब न्यायालय में कोई चीज चल रही है उसका भी समय इंतजार करना पड़ेगा, उसका क्या डिसीजन होता है क्या नहीं है, इतना सब्र तो साधु संतों को भी करना पड़ेगा। एक चीज की पहल और शुरुआत हो रही है, जमीन हाई कोर्ट ने आपकी सरकार आ गई है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, हाई कोर्ट जगह सरकार जनता को कब तक भ्रमित करोगे आप? हाई कोर्ट ने भटनागर जी कब तक भ्रमित करोगे ये बताओ, भ्रमित हम नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट से 2019 चुनाव आने वाला है, घोषणा होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जनता को भ्रमित करना शुरू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट से अगर मंदिर बनाना था तो आपकी जब सरकार बनी थी 2 साल तो उत्तर प्रदेश में सरकार बने होंगे, आपने क्यों नहीं करा? कहता रहा सुप्रीम जब अधिग्रहण करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कीजिए, ये सवाल तो वही बता पाएंगे कि लेट क्यों करा, आपके आका भी कह चुके हैं इस बात को, तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट में विवाद है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, आज दूसरी चीज उन्होंने उठा दी है क्योंकि संत समाज नाराज है आपसे। प्रदीप जी आपको पता है संत समाज भी यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार वो सुप्रीम कोर्ट का आड़ लेके बचती है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। देखिए चीज को तो देखिए साधु संतों को ही पता है कि जो मान लीजिए न्यायालय में चीजें चल रही हैं उसका भी थोड़ा सा सम्मान करना पड़ता है और सब चीजें देखनी पड़ती है, अध्यादेश के विषय में अगर आप बात करते हैं, देखिए अगर समय आएगा तो उसको चीज को भी लाया जाएगा, सम्मान करना है तो फिर बार बार बयान क्यों देते हैं मंदिर बनाएंगे, अगर सम्मान करना है न्यायालय को तो न्यायालय का इंतजार करिए, फिर बार बार क्यों आप इंतजार करते हैं, बिल्कुल मंदिर बनाएंगे और न्यायालय कब बनाओगे भाई, इंतजार तो करिए आप, आपके आका आज तक टाइम नहीं लगा पाए मंदिर कब बनाएंगे आप, तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, आप नहीं बनाओगे मैं बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा तो फिर ये आज मीटिंग करने की क्या जरूरत है, अधिग्रहण करिए वो जमीन का, अरे सरकार आपकी केंद्र में भी है प्रदेश में भी है, आप अधिग्रहण क्यों नहीं करते? अगर एक चीज की जमीन को लेके विवादित चल रहा है जो अपील डाली गई है, अब वो जो मूल उसके मालिक है उन्हें जमीन वापस मिलेगी, उसके बाद मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ये भी कह रहे हैं कि पहल है, इससे पहले किसी ने पहल नहीं की। देखिए मैंने फिर से रिपीट करूंगा कि मंदिर मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं और राजनीतिक से इसको जोड़ के देखना भी नहीं चाहिए, मंदिर करोड़ों हिंदुओं का आस्था का विषय है, वो अपने जगह पे है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को बना रही है और भटकाने की कोशिश कर रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मोदी जी 2014 में जब कैंपेन कर रहे थे, चुनाव की कैंपेनिंग चल रही थी, उस टाइम जनता से क्या मंदिर का वादा किया था या विकास का वादा किया था? विकास की बात हुई थी, आज मंदिर की बात क्यों हो रही है? मुद्दा को भटकाने की कोशिश ना प्रदीप जी करें ना बीजेपी के कोई लोग करें, और मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दा को भटकाने की कोशिश ना किया जाए, बार बार विकास की बात करते हैं, हम विकास की बात करते रहेंगे, आपने जो जनता को ठगने का काम किया है
युवाओं को नौकरी का झांसा पे आपने ठगा है, किसानों को कर्ज माफी के नाम पे ठगा है, किसानों को कर्ज माफी पे ठगा है, युवाओं को ठगा है, बेरोजगार सरकार ने, इससे आप उस पे जवाब दीजिए, मंदिर पे जवाब देने को पाएगा जी जी, क्योंकि 2019 के लिए एक उसने कुछ दिन पहले भी सवर्णों को 10% आरक्षण देने का प्लान बनाया था और अब ये प्लान याचिका दायर कर दी है क्योंकि साधु संघ का बड़ा खेमा जो केंद्र सरकार से नाराज चल रहा था, तो ऐसे में ये दोनों मुद्दे क्या बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं 2019 के लिए? देखिए, साधु संतों का जब दिल्ली में 3 दिन का धरना था तो मैंने तमाम बड़े साधुओं का इंटरव्यू किया था और बाकी लोगों से भी मैंने बात करी थी, तो साधु संतों ने इसीलिए बीजेपी को वोट दिया था या दिल से जो उतारा था वो इसीलिए उतारा था, बहुत स्पष्ट तौर पर छोटी सी और बहुत बड़ी बात भी है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। आज साधु संतों की आंखों में आंसू है। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में संतों के लिए पेंशन का भी मुद्दा उठा, आपको पता होगा पेंशन, उस पे जब हमने इंटरव्यू जमीनी स्तर पे करा, जैसे कोई एकदम मुद्दा आता है तो हम तमाम से संबंधित लोगों का इंटरव्यू करते हैं, तो उस पे कहते हैं हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। ये चैनल पे लाइव भी पूछा था, मैं तमाम चैनलों पे था, तो जो साधु संतों ने कहा था कि हमें नहीं चाहिए, उनको अब समस्या क्या है कि उनकी जो पीड़ा है वो दिख रही है। अब अगर यदि साधु संत पलट गए तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसकी भारी क्षति होगी। ये किसी भी हाल में अपने आप को बचाना चाहती है। अभी मेरे साथी प्रदीप भटनागर कह रहे थे कि ये मुद्दा किसी ने उठाया, मैं मानता हूं ये मुद्दा बीजेपी ने उठाया, लेकिन जब बीजेपी ने उठाया तो शुरू करा तो अंत क्यों नहीं कर पाया आप लोग? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या, इसमें इतने तकनीकी पहलू हैं कि आज राम मंदिर की जब से ये सरकार बनी है तब से लेके हम हजारों डिबेट में जा चुके, हमें पहले इसकी तकनीकियों को समझना पड़ेगा। जब आप अध्यादेश लाने में ला चाह रहे हैं तो इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट आपकी क्यों एक्सेप्ट करेगा या कोई भी कोर्ट आपकी इस बात को क्यों मानेगा? इसके तकनीकी पहलू में जाइए। आपने सपूगा छोड़ा, जनता को थोड़ी देर रुझाया, ठीक है, इट्स ओके, आपने रुझा लिया, लेकिन ये बताइए कि आपको जब सरकार ने, जब आपको सरकार आपकी बनवाई थी लोगों ने या साधु संतों ने जब ये बात कही थी तो उसका आपको तकनीकीकरण पता था? उन्होंने ये कहा था, उनकी आंखों में आंसू थे जब मैंने उनका इंटरव्यू करे, उनके मन में इतनी पीड़ा थी कि हम मरने से पहले एक बार राम मंदिर बनते देखना चाहते हैं। वो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार से थी जो निश्चित तौर पे पूरी नहीं हुई, और अब ये प्राइवेट मेंबर बिल लाना, संतों की पेंशन, और अभी हाल ही में इस तरीके की बात करना, 67 एकड़ पौने 3 एकड़ जो विवादित ढांचा, असली आस्था तो वहीं बसी है कि मंदिर वहीं बना दे, बहुत बड़ा मत बनाओ, छोटा सा बनाओ, लेकिन आप उस मुद्दे को छोड़ के कह रहे हैं जो कोर्ट भी पास नहीं कर सकता निश्चित तौर पर। जब इस मुद्दे पे आने से पहले मेरी कुछ वकीलों से बात हुई, मैंने इसके कुछ पहलू समझे जो कुछ थे, तो उन्होंने बताया था ये तो निश्चित तौर पर संभव नहीं है, उधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर आपत्ति की तैयारी कर ली जो शायद सुबह तक 10 बजे तक डल भी जाएगी। तो समझना ये पड़ेगा बीजेपी को कि ये ऐसा देखो, ये राम मंदिर नहीं बना पा रही, ठीक है, इसके लिए आश्वस्त कर दें कि हम अगली सरकार में कुछ कर सकते हैं, या हम कर दें अपने मैनिफेस्टो से राम मंदिर हटा दें, क्योंकि संत समाज से लेके हिंदुत्व को जो जीने वाला जो एक आम आदमी है उसके मन में जो पीड़ा है वो दिख रही है। इनके साथ एक अच्छी बात क्या है कि हमारे सामने विकल्प नहीं है, हालांकि 3 राज्यों में जो इनको झटका लगा है वो देखने लायक था, उसके बावजूद मैं मानता हूं कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी के रूप में आज भी अपना स्टैंड करती है, लेकिन उसके बाद जब संता में विकल्प नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उनको कहीं ना कहीं मुड़ना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब उत्तर प्रदेश में आप गठबंधन को देख लीजिए, अब उत्तर प्रदेश के गठबंधन को देखे, राम मंदिर छोड़िए, अब सपा बसपा ने गठबंधन कर दिया, इधर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें जो पूरे देश में सबसे ज्यादा अपनी कीमत रखती है, उसके बावजूद भी वहां पर कोई स्थिरता नहीं नजर आ रही है, तो बड़ा इस समय देश में माहौल अजीब सा है। मैं कह रहा हूं राम मंदिर के लिए बीजेपी को कोई बयान नहीं देना चाहिए, उससे बेहतर है कुछ गलत बोलने की बजाय, कुछ हरकत करने की बजाय चुपचाप बैठ जाए, ठीक है, ये मुद्दा लेके आ रहे हैं, इस बात को हम समझते हैं, लेकिन इस मुद्दे को पहले समझे कि कितना कारगर सिद्ध होगा। कहते हैं ना, कहावत है पहले तोल फिर बोल, तो पहले उसको समझना पड़ेगा, उसकी तकनीकी को, उसकी बारीकी को, तब जाके कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। जी 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 प्रदीप जी, आप पर सवाल उठते हैं कि जो गैर विवादित जमीन है, कहा जा रहा है कि वो वहां पर हिंदुओं की भी है और मुस्लिम्स की भी है वहां पर, तो अगर वो जमीन मूल मालिकों को वापस की जाएगी तो जो मुस्लिम्स की जमीन है क्या वो वहां पर राम मंदिर बनने देंगे? ये तकनीकी पहलू भी है और इस पर मुद्दा उठाया भी गया है, तो क्या लगता है आपको, जो आपने मास्टर स्ट्रोक खेलने की सोची है इस पर आप कर पाएंगे कुछ? देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है, हिंदुओं के साथ मुस्लिम समुदाय भी चाहता है कि वहाँ मंदिर बने, अयोध्या का हर वासी चाहता है कि मंदिर बने, अगर सब चीजों को लेके सब चीज बात कैसी करके, बात कर रहे हैं प्रदीप जी आप, वहाँ पर ये कहा गया है कि वो काफी जमीन वहाँ पर कब्रिस्तान की है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है और वो कह रहे हैं कि उस पर मंदिर नहीं बनने देंगे, आप कैसे कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर बन जाएगा? कब्रिस्तान एक अपनी जगह, कोई छोटी जगह जमीन नहीं है, बहुत जमीन है वहाँ पे, हाँ, तो एक बड़ा हिस्सा अगर हट रहा है वहाँ से तो कैसे बन पाएगा मंदिर वहाँ पर? मूल जो हिस्सा है वो वैसे भी विवादित है, सरकार ने कुछ तो विकल्प निकाले होंगे, अगर वो न्यायालय गए तो कुछ विकल्प निकाले, कुछ बात बताइए क्या विकल्प है?
वही विकल्प तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या विकल्प है? विकल्प निकाले गए हैं, बात करी गई है, कुछ तो विकल्प किए गए, शुरुआत की गई है पहल की, कुछ उसका तो इंतजार करना पड़ेगा ना, क्या सुप्रीम कोर्ट कहती है? विकल्प आपको पता ही नहीं है क्या विकल्प है सरकार के पास? विकल्प क्या विकल्प है? केंद्र सरकार की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, तो क्या विकल्प है आपके पास? क्योंकि मुस्लिम पक्षकार जो है वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे उन्हें, अगर वापस कर दी जाती है जो मूल उसके अधिकारी हैं वो उसके बावजूद वहां नहीं बनने देंगे, फिर आप क्या? मैं तो नहीं समझता, खैर इन चीजों में तथ्यों में आपकी मजबूती है, मैं चीज को नकारता हूँ। वहाँ हर समुदाय चाहता है मंदिर बने, पहले से मैं थोड़ा सी चीज को क्लियर करूं, अगर हर समुदाय चाहता है तो वहाँ क्यों ये डिस्प्यूटेड है, लैंड डिस्प्यूटेड क्यों है फिर? अगर हर पक्ष चाहता है तो वहाँ मंदिर बन जाता है, तो कोई डिस्प्यूट की बात ही नहीं रह जाती। कैसे प्रदीप जी आप बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तभी तो ये बीजेपी मंदिर बने सर, मुस्लिम भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है, तो मुद्दा खत्म होना चाहिए ना, बीजेपी क्यों चाहती है? अगर वो भी नहीं तो केस क्यों चल रहा है फिर? तो वहाँ मंदिर बन जाना चाहिए। जिस जमीन पे कोर्ट मैटर चल रहा है, जो उसको हटके अगर मंदिर बनाने की शुरुआत की जा रही है, कहीं उस हद को सही मानना चाहिए और उसमें पहल करनी चाहिए। जिस जमीन पे जब आएगा निर्णय आएगा तब देखी जाएगी जो होना है। मतलब आपको नहीं पता कि आपकी सरकार ने क्या तैयारी की है वहां पर, आपने याचिका डाल दी, आपको ये नहीं पता है? चलिए बहुत बहुत अभी आपको हम रोकेंगे, थोड़ा छोटा सा एक ब्रेक है, उसके बाद हम फिर वापस आएंगे और पूछेंगे कि क्या तरीका है वहां पर मंदिर बनवाने का, क्योंकि सरकार अध्यादेश नहीं ला रही है लेकिन मूल जो वहां पर अधिकारी है उनको जमीन वापस करके वहां मंदिर बनवाने का एक कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।